तो सारे भाइयों की राम राम। मैं सोनू। तो तुमने सुनया होगा पुराने बुजुर्गों पर भी भाई बादी का सांप कुकर होएगा। तो बादी का सांप मैं बताऊं कुकर होएगा पहला या छोटी सी वीडियो क्लिप देख लियो। मंत्री बन जाओ और डरते को नहीं आ जाएगा देखे उन्हें कोई और है स्कूल उस तरह को लगा जिस दिन आके माफिया मांग लेगा। इस तरह मैं बता दूं के कुछ होया था और के कुछ इसका सिस्टम बैठा। यह है मदनेड़ी जो कैप्टन अभिमन्यु का गढ़ है ओढ़ेगी वीडियो भाई। तो ये मामला के था जो ये बच्चियां थी इनका प्रिंसिपल का तबादला हो गया और तबादला होने के बाद में इनकी डिमांड थी कि हमारा प्रिंसिपल वापिस आना चाहिए। तो उसकी मैंने जो दोबारा तय इसे स्कूल में बदली वापिस करवाने खातर कैप्टन अभिमन्यु के दौरा ये गई। तो जाने के बाद में इनके साथ में कुछ मिसबिहेव होया। तो उसके बाद में मिसबिहेव जो होया है वह बात जो पंजाब केसरी के पत्रकार के थ्रू आपने यह वीडियो जो देखी है इसमें काफ़ी ज़्यादा फैल गई और या चकली विपक्ष आड़े ने। तो विपक्ष आड़े ने जो चकी तो जो ये बादी तो सांप बनया तो यू इसी तरह का बनया। उसके बाद में जब यह वीडियो वायरल हुई और वायरल होने के बाद में तुल पकड़ेगी पूरी विपक्ष आड़े ने भी इसका पूरा समर्थन कराया भाई ऐसा गलत कराया फलाने के क्योंकि उनका तो राजनीतिक स्वार्थ था। लेकिन इसमें दो तरीके की सोचना काम कराया वो मैं आप तब बाद में बताऊं। तो उसके बाद में जो गांव ने पंचायत करी है उसके अंदर फैसला लिया गया भाई जो एक तरफ तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा ला रहे हैं और दूसरी तरफ है कि हमारी जो लड़कियां थी उनका बेइज्जती करके ने वहां तक भगा दी गई। तो वो तो गांव का मैटर है के करेंगे मैं बाकी मैटर तो गांव में का हुआ है क्योंकि के करेंगे इस तरह सोच उल्टी भी पड़ सका है क्योंकि दिमाग का निवेरा पड़ता कौन सी चीज़ उल्टी पड़ जाए। तो जो यह वीडियो है इसमें दो प्रकार की मानसिकता का जो मैंने जिक्र किया था इसमें है एक सामाजिक मानसिकता और एक है राजनीतिक मानसिकता। पहली बात आप करांगे राजनीतिक मानसिकता की। राजनीतिक मानसिकता के है जो लोग विपक्ष में बैठे हैं जो उनती यू मुद्दा पाया गया जिस प्रकार एक बड़ा जाति डबोन खातर एक छोटा सा छेद जरूरी है तो उसी प्रकार तो बस यू छेद न्यू सोच लो बड़ा जहाज का छेद है अगर यू टेम रहते या तो भरया नहीं गया या इसका प्रति थोड़ा सा डिटेल में खुल के ना कैप्टन अभिमन्यु नहीं आए तो क्योंकि इन बच्चियों की डिमांड है या तो कैप्टन अभिमन्यु आकर हमारा था माफ़ी मांगे जब यू ताला खुलेगा नहीं तो फिर जिस प्रकार तम हमने बनाया है उस प्रकार तम हम खो भी देवांगे क्योंकि हमारी वजह तो बनया है और हमारे लिए जब ईसा मैं आप उल्टे चलोगे तो हम भी उल्टे आपके प्रति चलेंगे। तो एक तरफ जो यार राजनीतिक मानसिकता वाली बात आप कर रहे थे राजनीतिक मानसिकता में जो विपक्ष आड़े ने मुद्दा उठाया है और यह वीडियो इतनी ज़्यादा फैला दी जिसका लोगों का दिमाग में जो राजनीतिक सोच वाले लोग हैं उनका दिमाग में यह भर गई कि जो खट्टर सरकार ला लो या खट्टर सरकार के जो अनुयायी ला लो कैप्टन अभिमन्यु हैं तो मैं मदमचूर होकर ने और लोगों के साथ में मिसबिहेव करने लग रहे हैं और गलत तरीका तय वो करने लगे क्योंकि इसका नेगेटिव असर पड़ा ही पड़ा है। नॉर्मल सी बात है किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव असर तो ज़रूर पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ के है दूसरी तरफ बात करेंगे आप सामाजिक मानसिकता की। तो जो मैं फेसबुक के ऊपर इस वीडियो देखने लग रहा था तो उसका कमेंट बॉक्स में मैं गया जिसकी इसके बारे में कहा कि अच्छे करके बच्चे इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर दे। तो उसके जो अपोजिट आए कमेंट उसका रिप्लाई में आए कि बीजेपी वाले के थे जो चमचे थे उनके हैं फलाने हैं कड़छे हैं दिकड़ी हैं ये बीजेपी वाले हैं जो इसका समर्थन नहीं करते हैं फलाने करते हैं दिकड़ी नहीं करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के दूसरी मानसिकता थी या सामाजिक मानसिकता। इसमें ज़्यादा तक मेरी सोच है एक तरफ तो देखा तो मुद्दा ठीक होने के बाद बड़े क्यों नहीं आए जो या बच्ची इतना ज़्यादा बोल रही है तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता क्योंकि संस्कार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। अगर मेरी सिस्टर होती या है तो
तो या भी मेरी सिस्टर वर्गी, तो मैं इसे अलाउ बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि समाज के ऊपर को होकर ना एक इसी तरीके की मैंने लैंग्वेज का प्रयोग करना तो थोड़ा सा शोभ नहीं देता। गांव को इस बारे में पता है तो गांव इस बारे में बोलेगा, जो फैसला लेना हो बड़े लेवेंगे, लेकिन छोटे बच्चों थी इसका बारे में नहीं इतना कहना चाहिए। ठीक है, अपनी बात रखने का सबती अधिकार है, रखो, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बच्ची के बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाना अच्छी बात नहीं है। आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा है ये आज का अंदाज़ा लाया नहीं जा सकता। जो लगानी है वो लगा भी देंगे कि भाई इसको हवा देना कितना ख़तरनाक होगा। अपने बच्चों को इस तरह की लैंग्वेज में हवा देना तो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो उसका है, तो यू एक समझदार आदमी लगा इसका है। जो मेरी बात है उसका भी कई लोग समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे कैप्टन अभिमन्यु ने अगर इनके साथ में मिसबिहेव किया है तो 29 श्याम ही आना चाहिए और माफ़ी मांगनी भी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगना तय कोई वो छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े तो बड़े रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। अगर उन्होंने किसी प्रकार की गलती करी है तो श्याम ही आओ, माफ़ी मांगो, जो इनकी डिमांडें हैं पूरे करने की कोशिश करो। अगर आपका बस की बात नहीं है तो कह दो मेरा बस की बात नहीं है। जो ये बच्चे का मामला है, गांव खिलाफ हो गया है, जो और हैं वो खिलाफ हो गए हैं। एक तरफ है खट्टर जन आशीर्वाद रैली लेकर पूरा हरियाणा में घूम रहे हैं और इतने उत्साहित हैं कि 90 की 90 सीट आएंगी। दूसरी तरफ विपक्ष आड़े थी, मुद्दा भी मिल गया है, मुद्दा का असर भी पड़ेगा और बुरा कितना पड़ेगा ये तो आगाना वाला टेम में बता होगा। तो आपका इस बारे में के विचार है कमेंट बॉक्स में लिख दियो, गाड़ी गलोच की में लिखियो ना, के फायदा है। मैं कोई राजनीतिक आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरा काम है जो यू करण लग रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दियो। मिला हाँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।